हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट, यानी हम देखेंगे ये जो छोटे एलिमेंट होते हैं इनको मेजर कैसे करते हैं। जैसे आप समझ रहे हैं कि किसी भी छोटी चीज को मेजर करने के लिए हम दूसरी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए गोल्ड, राइट। जब भी हम कहीं दुकान में गोल्ड लेने जाते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते कि आज हम 1 किलो गोल्ड लेके आए हैं या इतना किलो गोल्ड लेके आए, यानी केजी का यूनिट इस्तेमाल नहीं करते। इसका मतलब यूनिट भी हम कन्वीनियंट के हिसाब से, मतलब जो इस्तेमाल में आता है उसके हिसाब से हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो मास क्यों ना हो। क्लियर। जैसे कि गोल्ड है तो गोल्ड के लिए पर्टिकुलर यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं ग्राम या तो कैरेट, राइट। इस तरह से हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम देसी भाषा में उसे तोला भी कहते हैं, राइट। 1 तोला, 2 तोला, 10 तोला, राइट, 50 तोला, राइट। इस तरह से हम गोल्ड को मेजर करते हैं, राइट। उसी तरह यहां पर जो छोटे एलिमेंट हैं उनको मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है जिसे हम कहते हैं AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, राइट, या तो सिंपली अब उसे यूनिट मास भी कहते हैं, राइट। चलिए देखते हैं उसे AMU, विच इज एटॉमिक मास यूनिट। राइट, एटॉमिक मास यूनिट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय AMU। क्लियर। चलिए देखते हैं AMU यानी कि ये यूनिट, नई यूनिट हमारे लिए क्या है। देखिए ये मास को ही रिप्रेजेंट करता है लेकिन बहुत छोटे मास को, राइट। तो इसे समझेंगे ये है क्या। देखिए 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ अ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, राइट। यानी कि इसे हम इस ऐसे कह सकते हैं जैसे 1 AMU इज इक्वल टू, यहां पर 1/12 ले लिया, इंटू क्या है हमारे पास, इट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, राइट। तो ये हमें देगा 1 AMU, राइट। अब देखिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन होता क्या है। तो देखिए यहां पर 1/12 किया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन जो मास है वो हमारे लिए 1.99 × 10⁻²⁶ kg है। क्लियर। अब इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो ये मास जो हमारे लिए आता है 1.66 0565 × 10⁻²⁷ kg, राइट। दिस इज वॉट 1 AMU, राइट। या तो इसे हम सिंपली 1 यूनिट मास भी कहते हैं। देखिए 1 यूनिट मास को आप सिंपली यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो आप इसे AMU भी कहते हैं। क्लियर। तो दोनों चीज आपके सामने अगर आए कभी तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो 1 AMU यानी क्या होगा, 1.66 0565 × 10⁻²⁷ kg। क्लियर। चलिए ये बात हमें पता चल गई। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लिखें, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप लिखना चाहते हैं, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप क्या लिखेंगे, वो आपके लिए होगा 0.000055, राइट। इतना होगा, राइट, AMU, यानी ये मास मैंने किसमें लिखा है, AMU में लिखा है, राइट। जो कि कितना होता है, अगर हम AMU की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास आपको पता चल जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली 9.1 × 10⁻³⁶ kg होगा। क्लियर। चलिए राइट, ओके, ये होगा 555 होगा यहां पे, ओके, ये याद रखिए। चलिए सेकेंड जो है वो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, इट इज 1.007, राइट, प्रोटॉन जीरो, राइट, 0073। क्लियर। इट इज AMU, इतना होगा मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपके लिए 1.67 × 10⁻²⁰
-27 kg, राइट 6726 हो जाएगा एक्चुअली, राइट ये होगा मास ऑफ प्रोटॉन आपके लिए। थर्ड देखिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या निकलेगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इट इज 1.00, इट इज 86 amu, राइट विच इज इक्वल टू 1.6749 × 10⁻²⁷ kg होगा, राइट तो ये देखिए हमें कंपैरिजन मिल रही है, राइट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की amu में वैल्यू है हमारे पास, मास ऑफ प्रोटॉन की amu में और मास ऑफ न्यूट्रॉन की amu में, तो ये हमें यहां पर अलग अलग कैटेगरी में मास जो है एटॉमिक मास यूनिट में मिल रहा है, ठीक है। चलिए दूसरी एक और बात याद रखिए, अगर हम amu यूनिट को कंपैरिजन करें एनर्जी वाली यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ कंपेयर करें तो वो एनर्जी कितनी निकलेगी, इट इज 1 amu इज इक्वल टू 931 mega electron volt होता है, ये बात भी हमें याद रखनी है, 1 amu इज इक्वल टू 931 mega electron volt होता है, क्लियर। अब ये वैल्यू निकाली कैसी, अगर इसके डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज mc², ठीक है, और यहां पर आप मास ले लीजिए, यहां पर स्पीड ले लीजिए, ये जो वैल्यू निकलेगी इसको डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻¹⁹ से करेंगे तो वो वैल्यू आपको 931 mev मिलेगा, क्लियर। चलिए तो ये हमें क्या मिला, इट इज 1 amu इज इक्वल टू 931 mega electron volt, राइट। तो ये हुई हमारे लिए बेसिक यूनिट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट जो कि मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, क्लियर। थैंक यू।